हिमाचल प्रदेश के सुदूर गांव में असुरक्षित यौन संबंध से गर्भपात का मुद्दा उठाया है हिंदी वेब सीरीज आखिरी गांव ने। मेरा नाम राही कृथन और ये मेरा डेब्यू है आखिरी गांव, ये वेब सीरीज है और जिसके हम आज फर्स्ट लुक के पोस्टर के फर्स्ट लुक के लिए आए हैं। और हमारे साथ हैं कंचन जी, ये हमारी मेन लीड हैं, मेन कास्ट हैं। ये गगन जी हैं, ये हमारे राइटर हैं। और अशोक जी, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं। और ये दिलीर मेहता जी, ये मुखिया का कैरेक्टर, जो सरपंच का कैरेक्टर है बेसिकली, ये वो प्ले कर रहे हैं। जी, कंसेप्ट बता। आखिरी गांव बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो कि बेस्ड है रूरल एरियाज की फीमेल के लिए, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर से हिमाचल के लिए, जो एक आर्टिकल के ऊपर भी बेस्ड थी चीज़ें कि जो एक आर्टिकल के ऊपर भी बेस्ड थी चीज़ें कि वहाँ पर अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से बहुत से अबॉर्शन हैं, नंबर ऑफ अबॉर्शन बहुत ही ज़्यादा है। उसके ऊपर बेस्ड हमने ये सीरीज बनाई है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, वहाँ की प्रॉब्लम्स को लोगों तक साझा किया जा सके। कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आया दिमाग में एक आर्टिकल से, मैंने एक ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ा था जिसमें अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से ही वहाँ पर जो अबॉर्शन रेट है हिमाचल में, खासतौर से हिमाचल के रूरल एरियाज में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। उसी के ऊपर बेस्ड हमने एक सीरीज बनाई है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एपिसोड 6 हैं इस सीरीज के। हम इसे बेसिकली अभी कुछ ऐसा जस्टिफाइड नहीं है कि हम इसे स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करेंगे, बट हम इसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करेंगे ऑन द बेस ऑफ शेयरिंग। हमने इसका शूट चंडीगढ़ एज वेल मंडी डिस्ट्रिक्ट का एक गांव पड़ता है मटरू सूजा, जहां हमने इसे शूट किया। आखिरी गांव एक टाइटल है, आखिरी गांव एक शब्द ही आखिरी है कि हाँ, वहाँ की सोच आखिरी, वो गांव आखिरी, वहाँ पे पहुँचने वाली चीज़ें आखिरी, वहाँ का विकास आखिरी। इस ये आखिरी टर्म ही ऐसी है कि वहाँ से पिछड़ना, वहाँ से बैकवर्ड क्लास, वहाँ से पता लग जाता है कि हाँ, वो चीज़ कितनी पिछड़ी हुई है, वहाँ की सोच कितनी पिछड़ी हुई है। आखिरी गाँव बेसिकली, आखिरी गाँव रखने का मकसद ये हमारा टाइटल है। डेफिनेटली अप्स एंड डाउन हमेशा रहते हैं, शूट इज ऑलवेज चैलेंजिंग। अगर हम हिल एरिया में नहीं कर रहे हैं, अगर हम फुल फैसिलिटी के साथ शूट कर रहे हैं, शूट हमेशा चैलेंजिंग रहता है अपने आप में। ये तो था ही हिल एरिया, तो यहाँ पर हम बारिश से, यहाँ के वेदर से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे, फिर भी हमने भगवान की दया से सारा शूट बहुत ही अच्छे से हमने कम्प्लीट किया। जी, मेरा कैरेक्टर है एक डॉक्टर का, उमंग है, जो उमंग सिंह, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। एक शहर में रहने वाली लड़की है जिसने कभी कोई गांव गई नहीं, कहीं पे रही नहीं, है ना। और जैसे कि एक अगर बच्चा पढ़ता है तो जॉब चाहेगा, तो कैसे उसको जॉब मिलती है, कहाँ मिलती है, कैसे वो जाती है, कैसे वो एडजस्टमेंट्स करती है, और क्या क्या उसे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आप इसमें देखेंगे। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, बह जाऊँगी नहीं तो फिर आपको सब पता चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट बेसिकली राही जी मुझसे मिले जब, तो इन्होंने डिस्कस किया उस आर्टिकल के बारे में, उनके पास एक आर्टिकल था, तो कहते कि इस पर मुझे कुछ करना है, इस पर मतलब हम क्या कर सकते हैं। देन उस आर्टिकल को बेस बना के एक स्टोरी क्रिएट किया है मैंने, जिसमें एक लड़की की जर्नी है जो वहाँ पे पहुँचती है, कैसे एक्सीडेंटली पहुँचती है, किस तरीके से पहुँचती है, वहाँ पहुँच के कैसे सर्वाइव करती है, देन कैसे वहाँ की छोटी, जो एक गांव की छोटी पॉलिटिक्स होती है सरपंच पंच वाली, उसको फेस करती है, और वहाँ पे लेडीज़ की प्रॉब्लम्स को कैसे वो सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो इसके बारे में ये सारी स्टोरी है, जर्नी है करेक्टर। हाँ, बेसिकली मेरे लिए ये था कि मैं हिमाचल, हमने हिमाचल का वो रूरल एरिया दिखाना है, वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं। एक तो हम बोलते हैं कि सिटी में रहने वाले लोगों की लैंग्वेज बहुत मतलब मिक्सअप हो जाती है ना, तो जो हमने जो लैंग्वेज यूज़ करनी थी एक्चुअल हिमाचली लैंग्वेज, इसमें हमने स्लैंग यूज़ करना था। तो मैं राइटिंग से भी पहले हिमाचल कुछ दिन, 2-3 टूर मारे, कुछ दिन रह के आया वहाँ पे, वहाँ के उन गांव, वही जहाँ पे हमने शूट किया उस गांव में भी मैं गया था, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व किया उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को, उनके स्टाइल को, देन आगे चीज़ें प्रोसीड करें। सब तो पहले तो मैं सॉरी, सब तो माफ़ी चाहना कि मैं शूट से इस करके लेट पहुँचे,
यह कहानी आखिरी गांव जब मुझे राही साहब और राइटर गगन जी ने बताया कि जी आपका ऐसा करैक्टर है, थोड़ा बिजी था लेकिन वो करैक्टर इतना अच्छा लगा प्रधान का मेरे को, तो इसलिए मैंने जेस कर दी। और वो पढ़ा लिखा है गांव में जो वहाँ के लोगों को जो अनपढ़ है उनको डेवलपमेंट नहीं होने देना चाहता क्योंकि वो अपने अंडर रखना चाहता है सबको, तो इस तरह का करैक्टर है। बाकी सब देखेंगे तो सबको मज़ा आएगा।